अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम ओल्ड मैन एंड द सी डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी दूसरी वीडियो है इसकी, और इसका दूसरा पार्ट है या डे टू हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसका जो है पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके कुल जो हैं 5 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये पार्ट टू है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर की करें। चलें शुरू करते हैं। अगली सुबह तलू आफ्ताब से पहले बूढ़ा आदमी लड़के को जगाने के लिए उसके घर जाता है। दोनों सेंटियागो की झोपड़ी पर चले जाते हैं। वो बूढ़े के सामान को उसकी कश्ती पर ले जाते हैं और गाढ़े दूध के डब्बे से कॉफ़ी पीते हैं। पिछले हमने पार्ट वन में जहाँ ख़त्म किया था वो ये था कि जो है बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में सोने के लिए आ जाता है और जो लड़का है अपनी झोपड़ी में चला जाता है। तो जो पार्ट टू है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो सुबह हो जाती है नेक्स्ट, और जो बूढ़ा आदमी है वो लड़के को मैनोलिन को जगाने उसके घर जाता है ताकि वो उसकी मदद करे आके, और जो चारा वगैरह है या जाल वगैरह है या डोरियां रस्से वगैरह हैं वो सामान तक पहुँच वो कश्ती तक पहुंचाने में उसकी मदद करे। सैंटियागो अच्छी तरह से सो चुका है और दिन के इम्कान के बारे में पूरे एतमाद होता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा एतमाद होता है कि वो आज कोई शिकार कर लेगा। और मैनोलिन साहिल समुंदर पर जुदा हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए अच्छी किस्मत की ख्वाहिश करते हैं। यानी जो है वो लड़का और सैंटियागो जो है वो एक दूसरे को समुंदर के साहिल पर खुदा हाफिज कह देते हैं और नेक ख्वाहिशात की तमन्ना करते हैं। उसके बाद बूढ़ा आदमी साहिल से आहिस्ता आहिस्ता खलीजी नदी के गहरे पानी की तरफ दूर होता जाता है, यानी वो अपना सफ़र स्टार्ट कर देता है और अपनी जो स्किप होती है, कश्ती होती है, उसको पानी में आहिस्ता आहिस्ता आगे चलाना शुरू कर देता है। वो उड़ती हुई मछली की उछल और सरगोशी को सुनता है जिसे वो अपना दोस्त समझता है, और छोटे कमज़ोर परिंदों के लिए हमदर्दी जाहिर करता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी यहाँ एक समंदर का सीन बयान किया गया है कि जब बूढ़ा आदमी सैंटियागो जो है कश्ती पर सफ़र अपना जारी रखे हुए है तो वो इर्द गिर्द देखता है कि छोटी मछलियां जो हैं वो पानी से ऊपर उछल कूद कर रही हैं जबकि उनको परिंदे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो समंदर से प्यार करता है हालांकि बाज़ औक़ात ये जालिम भी साबित हो सकता है। वो समंदर को एक ऐसी औरा समझता है जिसका वहशियाना सलूक उसके बस से बाहर होता है, यानी वो उसको जो है रिलेट करता है एक ऐसी औरत के बिहेवियर से जो कि वहशियाना होता है, यानी उसको खुद भी पता नहीं होता कि वो कैसे बिहेव कर रही है। तो समंदर का भी सेम यही हाल होता है कि बाज़ औक़ात समंदर भी इतना जालिम हो जाता है कि उसको नहीं पता कि वो कितनी तबाहकारियां ला रहा है उन मच्छरों के लिए, शिकारियों के लिए, या जो समंदर के साहिल पर बसने वाले लोग हैं उनके लिए। बूढ़ा शख्स चारा लगे मुख्तलिफ जाल बड़ी महारत के साथ कतार दर कतार पानी की गहराई में गिराता है ताकि वो लहरों के साथ बह सके। इस सब में वो बहुत माहिर है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता जाल को, डोरी को, रस्सियों को, उनको आहिस्ता आहिस्ता समंदर में फेंकता जा रहा है अपने शिकार के लिए, और ये सब जो है काम उसमें वो बहुत माहिर है क्योंकि वो बहुत अरसा से ये काम करता चला आ रहा है। सूरज निकलता है या सूरज ऊपर आता है। सैंटियागो साहिल से मुसलसल दूर होता जाता है, अपनी दुनिया का मुशाहिदा करता है जैसे वो इसके साथ बहती जा रही है।
वो उड़ती उछलती हुई मछलियों के ताकों में डॉल्फिन्स को देखता है, यानी डॉल्फिन्स जो हैं उन छोटी मछलियों के शिकार के लिए उनका ताकुब कर रही हैं, उनके पीछे आ रही हैं। एक गोताखोर चक्कर लगाने वाले समुद्री परिंदे को देखता है जो छोटी मछलियों के शिकार में लगे हुए हैं। ये सी बर्ड्स होते हैं, इनको सी बर्ड्स कहा जाता है, जो कि छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। वो उनको देखता है कि वो भी उनके शिकार में लगे हुए हैं, ऊपर मंडला रहे हैं। सर्गेसो को देखता है जो एक किस्म की समुद्री जड़ी बूटी है और खलीज के सिलसिले में पाई जाती है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जो येलो रंग की होती है और ये अक्सर समुन्द्र में पाई जाती है। बेजायका जामनी रंग की पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर नामी मछली देखता है। ये एक छोटी सी जो है जामनी रंग की मछली होती है जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ये बेजायका होती है और खाने के काबिल नहीं होती है। ये उसको देखता है और छोटी मछली को देखता है जो जेलीफिश जैसी मखलूक की तार नुमा साख के बीच में तैरती है। यानी ये सारा एक सीन बयान किया गया है समुंदर में कि जो सेंटियागो विटनेस कर रहा है और जो रीडर्स हैं वो सेंटियागो की आंख से जो है समुंदर के सीन को देख रहे हैं। कहीं दूर और बहुत दूर तक सेंटियागो समुद्री परिंदों का पीछा करता है जो मछली का शिकार कर रहे हैं। वो उसे बतौर रहनुमाई इस्तेमाल करता है, यानी वो परिंदों के झुंड को देखता है और ये परिंदों का जो झुंड होता है वो इस बात को जाहिर करता है कि वहाँ कोई ना कोई बड़ी मछली मौजूद है। तो वो इन परिंदों के झुंड को अपने लिए रहनुमाई के तौर पर, डायरेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपनी कश्ती को उस तरफ मोड़ता है कि यहाँ पे कोई बड़ा शिकार हो सकता है। जल्द ही बूढ़े के जाल में खिंचाव पैदा होता है और ये खिंचाव किसी मछली के शिकार का निशानी होती है कि जब तार में या जाल में खिंचाव पैदा हो जाए तो या तो मछली फंस चुकी होती है या मछली जो चारा है उसे खेल रही होती है। वो 10 पाउंड की बाम मछली पकड़ कर खींच लेता है जिसके बारे में वो ऊंची आवाज़ में कहता है कि ये एक उम्दा चारे का टुकड़ा साबित हो सकती है। यानी वो उसे मछली पकड़ने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल करेगा। यानी वो एक मछली पकड़ता है जो तकरीबन 10 पाउंड की होती है, तो वो ऊंची आवाज़ में कहता है कि मैं ये इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करूंगा बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। वो इस बात पर हैरान होता है कि कब उसने खुद में खुद कलामी की आदत पैदा कर ली है और ये बात उसे खुद भी नहीं याद कि उसने ऐसा कब किया होता है। यानी वो अपने आप से बातें कर रहा होता है और उसको इस बात पर हैरानगी होती है कि उसने ये आदत कब से डाल ली है। वो ये सोचता है कि अगर दूसरे माहीगीरों ने उसे ऐसे बात करते हुए सुना तो वो उसे पागल समझेंगे, हालांकि वो जानता है कि वो पागल नहीं है। आखिरकार बूढ़े को इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो बहुत दूर तक सफ़र कर आया है क्योंकि अब उसे साहिल का सब्ज़ा दिखाई नहीं दे रहा होता है। जब प्रोजेक्शन स्टिक जिस पर 100 फीट गहराई की हद नापने की निशानदेही होती है वो तेज़ी से डूबने लगती है तो सेंटियागो को यकीन हो जाता है कि जो मछली उसे खींच रही है वो बहुत बड़ी है। यानी जो प्रोजेक्शन स्टिक होती है वो जब नीचे गहराई में जाना शुरू करती है तो सेंटियागो को यकीन हो जाता है कि कोई मछली इसे खींच रही है और वो मछली साइज़ में इतनी बड़ी है कि वो इसको मुसलसल खींच रही है, क्योंकि छोटी मछली इसको खींच नहीं सकती। और वो दुआ करता है कि वो मछली इस बाम मछली को, यानी चारे वाली मछली को पकड़ ले जिसे वो बतौर चारा इस्तेमाल कर
करता है। मार्लिन थोड़ी देर के लिए चारा वाली मछली के साथ खेलती है। मार्लिन एक मछली का नाम है, और जो असल एक मेन कैरेक्टर है वो यही मार्लिन का होता है, कि मार्लिन जो है इसी का बार बार आगे आप देखेंगे कि जिक्र आएगा, और यही वो मछली होती है जिसके साथ पूरी स्टोरी जो है वो जुड़ी हुई है। तो मार्लिन थोड़ी देर के लिए चारा वाली मछली के साथ खेलती है, और जब वो आखिरकार चारा वाली मछली पकड़ लेती है तो वो उसको अपने साथ खींचती है और साथ कश्ती को भी खींचना शुरू कर देती है। यानी जब वो चारे वाली मछली को पकड़ लेती है तो वो जाल में फंस जाती है या उस हुक में अटक जाती है, तो उसको वो खींचना शुरू करती है तो साथ में कश्ती भी खींची चली जाती है। ये जाहिर करता है कि मार्लिन जो है साइज़ में काफ़ी बड़ी है कि वो कश्ती को भी साथ खींच रही है। बूढ़ा शख्स एक बार फिर अपने कुव्वत के साथ उसे खींचता है, फिर दूसरी बार वो ऐसा ही करता है लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता, यानी वो उसको ऊपर कश्ती में खींचने से कासिर है। मछली कश्ती को समुंदर में बहुत दूर तक घसीटती है। अब सैंटियागो को कहीं भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही, यानी वो मछली जो है मार्लिन ने कश्ती को खींच खींच कर इतना दूर कर दिया है साल से कि उसको कहीं भी अब ज़मीन दिखाई नहीं दे रही, यानी समुंदर में वो काफ़ी हद तक आगे चले गए हैं। सारा दिन जो है मछली कश्ती को खींचती है, जैसे बूढ़ा आदमी जाल की रस्सी को तस्मे की तरह अपनी कमर से बांध लेता है। यानी वो मसलसल मार्लिन उस कश्ती को खींच रही है और बूढ़े आदमी ने रस्सी को अपनी कमर से ऐसे बांध लिया जैसे हम तस्मा बांधते हैं, और उसे अपने हाथों में थामा होता है या थाम लिया है। ज़रूरत के तहत वो जाल की रस्सी में मज़ीद इजाफा करने के लिए तैयार हो जाता है। सारी रात जद्दोजहद जारी रहती है। जैसे मछली कश्ती को खींचती है, हवाना शहर जो क्यूबा का दारुलहुकूमत है उसकी बत्तियों की रोशनी से निकलने वाली चमक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि कश्ती साहिल से अब बहुत दूर जा चुकी है। बूढ़ा आदमी बार बार ये ख्वाहिश करता है कि काश वो लड़के यानी मैनुलिन को अपने साथ रख लेता। जब वो पानी में दो प्रोपोइज जो एक किस्म की वेल मछली है उनको खेलते देखता है तो सैंटियागो को अपने शिकार पर तरस आता है और वो उसे भाई जैसा समझने लगता है। यानी वो मार्लिन के लिए हमदर्दी जाहिर करता है। यहाँ ये आप इस पैराग्राफ में देखेंगे, मछली की मुसलसल जो है एक रात के जद्दोजहद और सैंटियागो की जद्दोजहद को दिखाया गया है कि सारी रात वो दोनों इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि मछली एस्केप करने की कोशिश करती है, जबकि सैंटियागो कहता है कि किसी तरह मछली उसके काबू में आ जाए और वो उसको लेकर वापस साहिल की तरफ मुड़ जाए। तो इस जद्दोजहद में मछली जो है कश्ती को इतना दूर ले जाती है कि जो क्यूबा का दारुलहुकूमत है उसकी जो रोशनियां हैं वो भी मदहम पड़ गई हैं, यानी वो उसकी आंखों से ओझल होना शुरू हो गई हैं, उसको दिखाई नहीं देती। ये उसकी दूरी को जाहिर करता है। वो इस वक्त के बारे में सोचता है जब वो मार्लिन के एक जोड़े को पकड़ता है, नर मछली मादा मछली को बाम मछली यानी चारा ले जाने देती है, और फिर वो इसी सदमे की कैफियत में कश्ती के पास ठहर जाता है। यानी उसे एक तरह से मछली पर तरस भी आता है जब वो दो वेल मछलियों को खेलता देखता है कि इसका एक साथी भी होगा जो इसके बगैर परेशान होगा या जो जिससे ये जुदा हो जाएगी अगर मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वो उस मछली को छोड़ना नहीं चाहता। फिर उसको एक बात याद आती है, जब उसने मार्लिन के एक जोड़े को पकड़ा था
तो दो मछलियाँ यानी नर और मादा थी। तो नर ने जो है मादा मछली को चारा ले जाने दिया और खुद जाल में फंस गया या खुद उस हुक में फंस गया, जबकि जो चारा है वो मादा मछली को ले जाने दिया। अगरचे इस वाक्य की याद ने उसे गमगीन कर दिया होता है, लेकिन संत्यागो का अज़्म गैर यकीनी है। जैसे जैसे मार्लिन आगे तैरती है, ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी उसे ढूंढने के लिए दुनिया के तमाम लोगों से आगे निकल जाता है। यानी वो अब काफ़ी हद तक समुंदर में दूर चला जाता है। सूरज तलू हो चुका है, यानी ये दूसरा दिन आ चुका होता है। मुसलसल जद्दोजहद का के सारी रात जो होती है इसी कश्मकश में गुजर जाती है कि मछली जो है खुद को एस्केप करना चाहती है और जो सैंटियागो है उसको पकड़ के कश्ती में ले आना चाहता है। हालांकि अब ये बहुत कम गहराई में तैर रही होती है, यानी सूरज तलू हो चुका है और मछली अभी तक भी नहीं थकी होती है। लेकिन और वो अपने जो है सफ़र को या अपने एस्केप के मिशन को जारी रखे होती है, अगरचे वो अभी कम गहराई में तैर रही होती है, यानी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गहराई में वो तैर रही होती है। बूढ़ा आदमी जाल की रस्सी के तनाव में इजाफा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करता है तो उसकी उसके यानी रस्सी के टूट जाने का खदशा है और मछली इससे दूर हो जाएगी। और अगर हुक मछली में बहुत बड़ा कट लगाती है तब भी मछली उससे दूर हो सकती है। यानी वो संत्यागो की यहाँ पोजीशन या कंडीशन बयान की गई है कि वो अब इस कंडीशन में है कि उस जैसा है उसने वैसा ही रहना है। ना तो वो मछली को वो हुक को खींच सकता है और ना ही वो उसको जो है और ढील या तनाव दे सकता है, क्योंकि इन दोनों सूरतों में जो है मछली उसके हाथ से चली जाएगी। तो वो जैसे है वो उसी तरह बैठा हुआ है, और जो है मार्लिन वो भी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह हुक से निकल जाए। संत्यागो उम्मीद करता है कि ये मछली छलांग लगाएगी, क्योंकि उसकी हवा की थैलियां भर जाएंगी जो मछली को पानी में ज़्यादा गहराई तक जाने से रोकेंगी, जिससे उसे अपनी तरफ खींचना आसान होगा। एक पीले रंग की घास रस्सी से मुंसलिक होती है, जिससे मछली की रफ्तार को आहिस्ता करने में मदद मिलती है। यानी जो जड़ी बूटियां होती हैं पीले रंग की जो समुंदर में पाई जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उस रस्सी के साथ लिपटना शुरू हो जाती हैं और रस्सी भारी हो जाती है, जिससे मछली की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। सैंटियागो सिवाय उसे पकड़े रखने के कुछ नहीं कर सकता। वो मछली से अपनी मोहब्बत और एहतराम का वादा करता है, लेकिन उसके साथ वो ये भी वादा करता है कि उस दिन ख़त्म होने से पहले अपने मुखालिफ यानी वेल को मार डालेगा। यानी उसकी मछली की रफ्तार आहिस्ता होती है और संत्यागो उसको पकड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और मछली से अपनी मोहब्बत और एहतराम का मतलब यहाँ ये है कि वो उसे कहता है कि वो उसे जो है वेल जो मछली होती है उससे बचा लेगा। यानी जो दूसरी बड़ी मछलियां उसका शिकार करने आएंगी, उसको खाने आएंगी, वो उनसे उनको बचा लेगा। और जो अपने उसके जो संत्यागो के मुखालिफ हैं, यानी वो भी एक तरह से उसके मुखालिफ होती हैं मछलियां, क्योंकि वो भी उसको खाना चाहती हैं मार्लिन को, और संत्यागो भी इस अपने शिकार को उनके हवाले नहीं करना चाहता। तो वो उसे कहता है कि दिन ख़त्म होने से पहले वो उसे बचा लेगा। तो दोस्तों ये था डे टू या पार्ट टू आप कह लें। तो यहाँ तक हमारे जो है दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद हमारे तीन पार्ट रह गए हैं इस नावल के। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।